जिन भक्तों को अपनी फोटो अच्छी खासी चाहिए तो भक्तों आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है। Xiaomi बाबा ने चाइना में लॉन्च कर दिया है MI का CC9 Pro, जहां पर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। 27,000-28,000 रुपए में आपको बहुत ही धांसू कैमरा मिलता है। 5 आंखें हैं यहां पर, और ये फोन जो ग्लोबल लॉन्च होगा वो मी के नोट 10 नाम से लॉन्च होगा, और जब ये फोन इंडिया में आएगा तो भैया किसी और नाम से आ सकता है। कहीं मी का A4 यदि ये हो जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा, और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और आपको ये भी पता होगा कि यार इंडिया में Realme भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, और Realme का जो X2 Pro है ये भी काफी तगड़ा फोन है। मैं आपको सब कुछ विद्वत तरीके से बताऊंगा और फिर आपको पता चलेगा कि यार आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। मी के CC9 Pro में Snapdragon का 730G, और ये जो प्रोसेसर है ये काफी अच्छा प्रोसेसर है। आराम से यहां पर आप दिन रात PUBG खेल सकते हैं, हैवी वाले टास्क कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यदि आपको ज्यादा ही अच्छा परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर चाहिए और आपको फ्लेक्सी फोन चाहिए तो आपके लिए Realme का X2 Pro है, जहां पर आपको Snapdragon का 855 प्लस प्रोसेसर मिलता है। ये तो यार 2020 में भी पुराना नहीं होने वाला है। यहां से आप चाहे जितने भी हैवी गेम खेलें आराम से आपका काम चल जाएगा। मतलब परफॉर्मेंस में जो Realme का X2 Pro है ये काफी तगड़ा फोन है। उसके बाद बात करते हैं बैटरी की। आपको Realme X2 Pro में मिल जाती है 4000 mAh की बैटरी, और साथ में आपको 50 वॉट का वूक चार्जर मिल जाता है जो आपके फोन को फटाफट चार्ज कर देगा। और यदि आप लेते हैं मी का CC9 Pro तो यहां पर आपको इससे भी बड़ी बैटरी मिलती है, वो है 5260 mAh की, और साथ में आपको 30 वॉट का फास्ट चार्जर भी मिल जाता है। और भैया इन दोनों ही फोन में आपको वही टाइप सी पोर्ट भी मिल जाता है। मतलब यार यदि आपको बड़ी सी बैटरी चाहिए तो आपके लिए जो Xiaomi का फोन है ये काफी अच्छा ऑप्शन है। Xiaomi ने चाइना में NFC भी दिया है, वैसे मेरे हिसाब से इंडिया में आपको NFC नहीं मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। यदि आप लेते हैं मी का CC9 Pro तो यहां पर आपको MIUI 11 मिलेगा। यदि ये इसी नाम से इंडिया में लॉन्च होता है तो भैया यही मिलेगा। यदि मी की A सीरीज जो आती है इंडिया में उसमें लॉन्च होता है तो यहां पर आपको स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिल जाएगा। जिन लोगों को स्टॉक एंड्रॉयड चाहिए तो भैया जो मी की A सीरीज है ये काफी अच्छी सीरीज है। यदि आपको चाहिए कलर OS तो आपको रियलमी की डिवाइस में कलर OS मिल जाता है, और यहां पर भी आपको कलर OS 7 बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, और आज की डेट में हमारे लिए लुक एंड फील भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको Realme के X2 Pro में मिल जाती है 6.5 इंच की फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट आपको मिल जाता है, ऊपर की तरफ आपको चंदन टीका देखने को मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास 5 है आगे की तरफ, और पीछे की तरफ भी आपको काफी अच्छा फिनिश मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी मिलता है। और यार ये जो डिस्प्ले है ना ये है AMOLED, मतलब आपको जो कलर दिखेंगे वो काफी पंची दिखेंगे, और जो रिफ्रेश रेट है वो है 90 Hz। मतलब यार ये इस फोन का सबसे घातक और सबसे अच्छा फीचर है। और आप जाते हैं Xiaomi की डिवाइस में मी के CC9 Pro में तो यहां पर आपको मिल जाती है 6.4 इंच की फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले है, साथ में AMOLED डिस्प्ले है, और भैया यहां पर भी आपको ऊपर की तरफ चंदन टीका देखने को मिलता है, पीछे की तरफ आपको 3D ग्लास मिल जाता है। देखने में ये दोनों फोन बहुत ही अच्छे हैं। दोनों ही फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है। प्रीमियम ये दोनों ही फोन है, जब भी आप इन फोनों से वीडियो देखेंगे तब भी आपको मजा आने वाला है। लेकिन यार आपको Xiaomi की डिवाइस में जो सबसे जबरदस्त चीज मिलती है वो है कैमरा। मी के CC9 Pro का कैमरा इतना शानदार है कि आप यही कहेंगे कि यार मुझे यही फोन चाहिए। यदि आपको अच्छा खासा कैमरे वाला फोन चाहिए, यहां पर आपको 4 आंखें नहीं मिलती है, 5 आंखें मिल जाती है। एक है 108 मेगापिक्सल का, यह है Samsung का HMX सेंसर। मतलब यार यहां पर आपकी जो फोटो होगी काफी अच्छी आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। 20 मेगापिक्सल का यहां पर एक और सेंसर है जो है अल्ट्रा वाइड वाला, आप चौड़े होकर भी फोटो ले सकते हैं। उसके बाद एक है 12 मेगापिक्सल का जो है पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए, मतलब आपको बुके इफेक्ट काफी अच्छे दिखने वाले हैं। और उसके बाद एक है 5 मेगापिक्सल का जो है टेलीफोटो लेंस, यहां से आप 50x
डिजिटल जूम कर सकते हैं और साथ में एक है 2 मेगापिक्सल का जो है माइक्रो शॉर्ट्स के लिए। यहां पर आपको EIS नहीं मिलता है, OIS मिलता है, मतलब आपके जो फोन से वीडियो रिकॉर्ड होगा ना बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड होगा, बहुत ही स्मूथ वीडियो बनेगा, काफी कमाल का वीडियो बनेगा। और यहां पर आपको सारे के सारे फिल्टर मिल जाते हैं, नाइट मोड मिल जाता है, स्लो मोशन मिल जाता है, टाइम लैप्स मिल जाता है, किसी भी चीज में कोई भी कटौती नहीं करी गई। इसकी जो DXO मार्किंग है वो भी है 121, मतलब यार कैमरे के लिए यदि आपको फोन चाहिए तो आपके लिए मीका सीसी 9 प्रो काफी अच्छा फोन है। और साथ में जिन लोगों को सेल्फी चाहिए तो भैया यहां पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, सेल्फी में भी कोई भी Xiaomi ने कटौती नहीं करी। और आप लेते हैं Realme का X2 Pro तो यहां पर आपको 4 आंखें मिल जाती है, एक है 64 मेगापिक्सल का जो है Samsung का GW1 सेंसर, यही सेंसर आपको देखने को मिलता है Realme के X3 में। अगला है 13 मेगापिक्सल का जो है टेलीफोटो लेंस, और उसके बाद है 8 मेगापिक्सल का जो है अल्ट्रा वाइड वाला, और उसके बाद है 2 मेगापिक्सल का। मतलब यार इस फोन का भी कैमरा काफी शानदार है जो Realme है, बट कैमरे में जो फोन विनर है ना वो है मीका सीसी 9 प्रो। और साथ में Realme X2 Pro में जो आपको सेल्फी कैमरा मिलता है वो मिलता है 16 मेगापिक्सल का। अब मुद्दे की बात यह है कि यार कौन सा फोन काफी तगड़ा है। यदि आपको अच्छा खासा कैमरे वाला फोन चाहिए, नो डाउट आपको जाना चाहिए मीके सीसी 9 प्रो में। यहां पर आपको 5 आंखें मिल जाती है, बहुत ही अच्छा फोन है। और यदि आपको चाहिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस के लिए फोन तो यार जो Realme का X2 Pro है ये काफी अच्छा है। और मैं आपको बार बार यही कहूंगा कि यार ये तो आपके ऊपर है कि यार आपको कौन सी चीजें चाहिए, आपको अच्छा कैमरा चाहिए या आपको दिन रात गेम खेलना है, जो कुछ आपको करना हो उसके हिसाब से ही आप फोन लीजिएगा। अभी भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है वो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में यदि आपको कुछ अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक और साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। और इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यार सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जस्ट बगल में आपको एक बेल बटन मिलेगी, इसे प्रेस कर देंगे तो आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। और ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल निःशुल्क है, मतलब यार आपकी जेब से 1 भी रुपए नहीं लगने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।